कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने नरवाना नगर परिषद के पार्षदों में सभी अधिकारियों की हाउस मीटिंग बुलाई। इस मौके पर उन्होंने सभी पार्षदों और अधिकारियों के साथ मिलकर ये निर्णय लिया कि जो भी नगर परिषद में काम करने वाले ठेकेदार पिछले कई महीनों से काम को लटकाए हुए हैं, उनको एक सप्ताह का नोटिस देकर या तो वो काम शुरू करेंगे, नहीं तो उनके टेंडर कैंसिल किए जाएंगे और उनके स्थान पर नए टेंडर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आगे जो भी नगर परिषद नरवाना के टेंडर लगे हैं वो टेंडर लोक निर्माण विभाग के टेंडर के हिसाब से डाले जाएंगे। अगर कोई ठेकेदार उन टेंडर को नीचे रेट पर डालता है तो उसको कैंसिल किया जाएगा। यह भी हाउस की मीटिंग में निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट लाइट की समस्या बनी हुई है जिसके लिए अभी काम शुरू करवाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो आगे नया टेंडर भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही नगर परिषद नरवाना की बिल्डिंग काफी जर्जर हालत में है, जो उसे देखते हुए सभी ने यह निर्णय लिया है कि आने वाले समय में कम 2 एकड़ में नगर परिषद का सुंदर भवन तैयार होगा। इसके साथ ही गलियों के कुछ पैच वर्क का काम पेंडिंग है जिसके लिए ठेकेदार को कहा गया है और बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में ये मीटिंग हुई है। सभी के साथ मिलकर नरवाना को स्वच्छ भी बनाएंगे और स्वस्थ भी बनाएंगे, सुंदर भी बनाएंगे और सुरक्षित भी बनाएंगे। नए टेंडर मांगेंगे मंत्री और विधायक बनने के बाद नगर परिषद नरवाना के हाउस मीटिंग काफ़ी दिनों से पेंडिंग लटक रही थी, तो सभी पार्षदों से मैंने रिक्वेस्ट किया, चेयरपर्सन से रिक्वेस्ट किया, अधिकारियों को आज यहां पर बुलाया। आज हमारी इस मीटिंग के अंदर हमारे चेयरपर्सन और हमारे वाइस चेयरमैन, हमारे SDM, हमारे DMC और हमारे EO सभी अधिकारी मौजूद थे और आने वाले समय के अंदर कुछ एजेंडे हैं जिनको हमने अभी क्लियर किया है। एक तो FCCI की बैठक का जल्दी तय करेंगे और जो ठेकेदार बिलो रेट पर टेंडर डालते हैं और वो टेंडर डाल के काम को लटकाने की जो उनकी एक मंशा चल रही है, आज पूरे हाउस ने ये पास कर दिया है कि हम PWD के रेट के साथ कंपैरिजन करके उससे जो बिलो टेंडर डालेंगे हम टेंडर उनको कैंसिल करेंगे।